हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल में ही यस बैंक की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो गई और सरकार को उसको बचाने के लिए काफ़ी एक्शन लेना पड़ रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था में एक तरह से मतलब भूकंप मच गए, लोग घबरा गए। और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि अगर मान लीजिए यस बैंक है या जैसे इसके पहले INFS एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि पैसे से जो कि उधारी का जो काम करते हैं, अगर ये इंस्टीट्यूशंस अगर बैंकरप्ट होते हैं या मुसीबत में फंसते हैं तो इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें मान लीजिए कोई और कंज्यूमर गुड्स कंपनी हो, मान लीजिए एक कंपनी कपड़े बनाती हो, फर्नीचर बनाती हो या कार मैन्युफैक्चरर हो, अगर वैसी एक कंपनी अगर बैंकरप्ट हो तो उसका भी इम्पैक्ट है, पर उसका इम्पैक्ट जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम पड़ता है, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी भी इंटरव्यू पैनल में कहीं भी या इवन दोस्तों के साथ में अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, अगर आप ये अंडरलाइन रीजंस अगर आप निकाल पाएंगे तो यू विल हैव आप बहुत ही बढ़िया डिस्कशन कर पाओगे और थोड़े ही पीरियड में आप एक अच्छा इंप्रेशन लोगों पर छोड़ पाओगे। तो इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं बैंक क्या है, बैंक का काम क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो बैंक क्या करता है? तो बैंक का बहुत ही मोटा मोटा समझ लीजिए, बैंक का काम है पैसा उधार देना। किसको उधार देना? किसी को भी, इंडिविजुअल्स को या कंपनियों को, राइट? तो अब मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे कोई बिल्डर है, अब वो 20 स्टोरी का बड़ा एक बिल्डिंग बना रहा है। अब बिल्डिंग को बनाने के लिए मान लीजिए 50 करोड़ का खर्च है। अब वो बिल्डर सोचेगा कि मेरे पास सिर्फ 20 करोड़ है तो मैं कहीं और से 30 करोड़ लोन लेके अगर मैं बना दूं और उसके बाद जब बेचूं और वहाँ जो प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से लेके मैं लोन और इंटरेस्ट लौटा सकता हूँ, तो वो फिर लोन लेना चाहेगा। और ऐसे ही कई कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं, वो इस तरह से बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो अपना बिजनेस चला सकें। सारा अपनी जेब से सारा पैसा डाले बिना कुछ पैसा अपनी जेब से, कुछ पैसा बैंक से लेके बिजनेस चलाते हैं। तो ये मोटा मोटा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कंपनी जिस तरह से ऑपरेट करती हैं। अब मान लीजिए मैं एक बैंक शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? आप ये एग्जांपल लीजिए, मैं एक बैंक शुरू करना चाहता हूँ तो मेरा काम क्या है? तो मैं बैंक शुरू करके मैं लोगों को पैसा उधार देना चाहता हूँ। उधार क्यों देना चाहता हूँ? ताकि मुझे कुछ इंटरेस्ट मिले। अब सोचिए, बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए मैंने बैंक शुरू किया तो मैंने 1 करोड़ रुपए डाला। अब 1 करोड़ रुपए को मैं फिर किसी को मान लीजिए लेंड करता हूँ, उधार देता हूँ, तो मुझे 12% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल में मेरा कितना इंटरेस्ट हुआ? 12 लाख हुआ। तब मैं ये सोचूंगा कि मैं, चलिए 12 लाख तो मुझे मिल रहा है, पर मैं इसको, इस फायदे को मैं क्या बढ़ा सकता हूँ क्या? तो एक तरीका है, वो कैसे? अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 1 रुपये है तो मैं 1 रुपये के ऊपर मैं 5 रुपये और उधार डालता हूँ तो मेरे पास 6 रुपये हो गए। अब मैं 1 की जगह 6 रुपये मैं उधार दे सकता हूँ। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 1 करोड़ था तो मैंने 5 करोड़ और उधार लिया। उस 5 करोड़ को जो मैंने उधार लिया, उधार लेते समय मैंने उसको 10% पे उधार लिया, ठीक है? मुझे 10% पे उसको लौटाना है। तो 5 करोड़, उस पर 10% कितना हुआ? उस पर इंटरेस्ट 1 साल का 50 लाख, ठीक है? अब मैंने यहाँ 5 लाख लेके वो 5 लाख मैंने एडिशनल एक्स्ट्रा, पहले 1 करोड़ तो पहले किया ही, तो उसको छोड़ दीजिए, मैं और 5 लाख एक्स्ट्रा लेंड कर रहा हूँ। इस 5 लाख पे मुझे मिल रहा है 12%, ठीक है? अब सोचिए, मिलता है मुझे 12 और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10%, तो 5 करोड़ पे मेरा 12% जो इंटरेस्ट आया वो कितना हुआ? वो मेरा हो गया 60 लाख, ठीक है? तो मेरा 60 लाख मेरा इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, यहाँ पे मुझे 50 लाख देना है, मेरा इसमें से नेट फ़ायदा कितना हो गया? 10 लाख। तो पहले जो मेरा 12 लाख मिल रहा था, अब उसमें मुझे 10 लाख मैंने और ऐड कर दिया। अब मेरा फ़ायदा जो है और ये मेरा प्रॉफिट 12 लाख से 22 लाख हो गया। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, है? तो लगता है कि ये तो बैंक का तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो क्या करना चाहिए ऐसे बैंक को? तो बैंक को चाहिए कि जितना ज़्यादा बोरो कर सके उतना ज़्यादा बोरो करे और वो लेंड करे। पर कई रीज़नों से, कई कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से
बैंक के पास मान लीजिए अगर 1 रुपया हो तो उस पर वो ऐसा नहीं कि उस पर वो 100 रुपये बोरो कर ले, वो एक रेशियो में ही बोरो कर पाता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये हो तो मैं 5 रुपये बोरो कर पा रहा हूँ, तो मेरा रेशियो हमेशा जो है 1 और 5 का रेशियो रहेगा। ये आप समझिए एक बात, मेरे पास 1 करोड़ था तो मैंने 5 करोड़ बोरो किया। अब मैंने जो उधार दिया था मुझे अब वहाँ से पैसे वापस मिलने थे। अब ऐसा हो गया कि जिसको मैंने उधार दिया उसकी कंपनी ठीक से नहीं चली, उसने मुझे पैसा वापस नहीं किया। अब उस चक्कर में मान लीजिए अब मुझे इंटरेस्ट मिलना था उस साल का, इंटरेस्ट कितना मिला था 60 लाख, 60 लाख नहीं मिला मुझे, कितना मिला मुझे सिर्फ 30 लाख मिला। अब मेरे लिए मुसीबत है, क्यों? क्योंकि मेरा जो 50 लाख है वो तो मुझे देना ही देना है, पर यहाँ से जो आना था 60 लाख वो 60 की जगह 30 लाख आया, 20 मुझे और देना है 50 लाख, तो मेरा हो गया नुकसान 20 लाख का। अब जो मेरे पास जो 1 करोड़ रुपये था है उसमें से 20 लाख चला गया। अब इसमें जो खास बात क्या है, खास बात यह है कि मैं सिर्फ उतना मेरा जो पैसा जो मैं डा जो मेरे पास जो मेरा अपना पैसा है और जो उधार ले रहा हूँ उसका एक फिक्स रेशियो रहता है। अब मान लीजिए रेशियो यहाँ पे 1:5 है, तो अगर मेरा 1 रुपये नुकसान हुआ तो मैं जो उधार ले रहा हूँ वो भी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? वो 5 रुपये कम हो जाएगा। ये है इम्पॉर्टेंट बात। मतलब बैंक जो है वो एक तरह से उसका रोल मल्टीप्लायर का होता है, 5 गुना 8 गुना 10 गुना। अमेरिका में 2008 में एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। उस समय बैंक अगर उनके पास अपना 1 रुपये है तो उसे 15 रुपये या $1 है तो $15 वो उधार लेके फिर उसको और लोगों को उधार देते थे। तो अगर वहाँ पे उस बैंक का अगर $1 नुकसान हुआ तो उसको उसकी उधार करने की क्षमता कितनी कम हो जाएगी? $1 नहीं, $16। क्यों? क्योंकि वो $1 पे $15 उधार लेके फिर उधार दे रहा हो, तो उसका अगर $1 नुकसान हुआ तो उसको उधार करने की क्षमता $16 कम हो जाएगी। मतलब जो अर्थव्यवस्था में जो बाकी कंपनीज हैं उनकी उनको उनकी बोरो करने की कैपेसिटी 16 गुना कम हो जाएगी। इसीलिए जब बैंक्स का नुकसान होता है तो बैंक एक मल्टीप्लायर काम करते हैं, और वो नुकसान जो है फिर बाकी, अब मान लीजिए जो बिल्डर हो उसको 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 लोन नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा? अब वो बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। आप इनफैक्ट अगर कभी भी गाड़ी चला रहे हैं देखिए साइड में आपको सड़क के बाजू में कभी कभी मिल जाएंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, आधे बने हुए वो खाली पड़े हैं, पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? उसकी एक वजह ये भी है कि या तो बैंक ने उधार नहीं दिया या कुछ ऐसा हुआ कि जो बिल्डर था उसके पास पैसा बीच में ख़त्म हो गया, अब बिल्डिंग आधी बनी है आधी वैसी पड़ी हुई है। इसी तरह की और भी कंपनीज, उनको भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बैंक का जो उधार देने का जो रोल है वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जहां हटा वहां समझिए कि अर्थव्यवस्था में भूकंप मच जाएगा, और इसीलिए बैंक्स इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसके और भी वजह हैं। और क्या वजह है? और वजह यह है कि बैंक काफी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। अब मान लीजिए मैंने अब यहां लोगों से उधार लिया था, अब वो कौन लोग हैं? मान लीजिए कोई कोई नौकरीशुदा आदमी हो, उसने उसने पैसा डाला था, अब मैं उसको पैसा नहीं लौटा पा रहा हूँ, तब वो बेचारा मुसीबत में पड़ गया। उस तरह के कई सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग हैं और कंपनीज हैं। मैंने, हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, उसके पास काफ़ी पैसा था, उसने उससे उससे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ या 5 करोड़ या 100 करोड़ उधार लिया हो, अब जहाँ मेरी मुसीबत हुई अब वो उसकी प्रॉब्लम हो गई। मैंने किसी और बैंक से लिया था, मेरा पैसा गया तो उस बैंक का पैसा फंस गया, तो उस बैंक की मुसीबत हो गई। तो ये मुसीबत फिर फैल सकती है। तो बैंक्स के, अगेन मैं बहुत इसको, इसमें और भी कई चीज़ें हैं बट मैं बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ, बट मोटा मोटा समझ लीजिए कि बैंक का कई कई पार्टीज़ के साथ में उसके उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अगर ये बैंक यहाँ से हट गया तो ये सब लोग जो है मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इन्हीं ये वजह है कि बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे 5 गुना 10 गुना या उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है अगर उनका नुकसान होता है। और अगर कोई कंज्यूमर गुड कंपनी हो, अगर उसका नुकसान हो, मान लीजिए उसका अगर 1 रुपये नुकसान हुआ तो वो जो है 5 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसीलिए बैंक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनका उनके नुकसान का इतना ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह के ये जो इस पॉइंट को आप होपफुली आप समझिए, और जब भी डिस्कशंस हों तो इस तरह के एनालिसिस को आप बाहर लाने की कोशिश कीजिए, और ये फिर एक बहुत बढ़िया आप इंप्रेशन छोड़ पाएंगे इंटरव्यू पैनल के ऊपर या किसी भी डिस्कशन में
और लोन के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूँगा दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।